अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू की सब्ज़ी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पालक को जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये एक जोड़ी पालक की पालक है। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ वाफ करके छन्नी में डाल दिया। साथ में मैंने दो आलू लिए हैं, उसे बॉईल कर लिया। प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची और दो सूखी मिर्ची भी हम ले लेंगे, उसे भी जो है हम इसमें डालेंगे तड़के में, क्योंकि आलू पालक की सब्ज़ी में सूखी मिर्च का और लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैंने पतीला लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। उसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है। जब ज़ीरा जो है अपनी खुशबू छोड़ने लगे, हल्का सा लाल होने लगे, तो आप इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल दीजिए। अब उसमें हम सूखी मिर्ची डाल देंगे आधी तोड़कर, एक में से दो करके, ताकि अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए तेल में। अब हम प्याज को डाल देंगे, रफली चॉप की हुई प्याज मैं डाल दी, और ये एक गांठ प्याज है, यानी मीडियम साइज़ की एक एक प्याज है। इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब तक मेरी प्याज लाल हो रही है, मैं आलूओं को मैंने कट कर लिया है। आलू जो है बॉईल आलू है ये, आप चाहो तो कच्चे आलू भी डाल सकते हो। अब आलूओं को जो है सॉरी अब प्याज को जो है हम अच्छे से भून लेंगे, मतलब कम से कम ये थोड़ा सा हल्के से इसका कलर आने लगे। अब मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। प्याज जो है थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब टमाटर ऐड कर देंगे, एक छोटा टमाटर है ये। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट के लिए कवर करके हम इसे पकाएंगे। अब देखिए एक मिनट हो चुका है, टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे एक बार और करछी इसमें घुमा लेंगे। अब जो पालक है हम इसमें ऐड कर लेंगे, और पालक थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि मसालों में अच्छे से पालक मिल जाए। अब देखिए मैंने पालक को डाल दिया है। अब हम जो है इसे मीडियम गैस पर इसे पकाएंगे, और इसे मैं ढककर पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए बस। उसके बाद देखिए पालक ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो ये अपना पानी रिलीज़ करेगी। अब इसके ही पानी में हम इसे पकाएंगे। अब आप ये याद रखिए, अगर आप कच्चे आलू ले रहे हैं तो आपको जो है प्याज के साथ ही आलूओं को भूनना है। मेरे बॉयल आलू है, अगर मैं पहले डालूंगी तो मेरे जो आलू है ना वो मतलब एकदम मिक्स हो जाएंगे पालक के साथ। लेकिन अगर आप कच्चे डाल रहे हो तो आपको प्याज जब डालोगे तब ऐड करना है। और मेरे जो बॉयल आलू थे इसलिए मैंने इस टाइम पर जो है ऐड किया है, ताकि वो ज़्यादा टूटे नहीं। वैसे किसी किसी को जो टूटे हुए होते हैं ना पालक में आलू, वो भी पसंद आते हैं। मेरे घर में बच्चों को जो है ऐसे ही पसंद आते हैं टूटे आलू, मतलब जो मिक्स हो गए रहते हैं सब्ज़ी में, मैश हो चुके रहे होते हैं। आपको जैसे पसंद है आप वैसे ऐड कर सकते हो, चाहे कच्चे चाहे बॉईल। अब जो है मैंने धनिया ऐड कर दिया है, और अब हम खुला रख के ही पतीला पकाएंगे, इसे कवर नहीं करेंगे। और नमक वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। अगर आपको लगे कि सब्ज़ी में नमक कम है तो आप इस टाइम पर भी ऐड कर सकते हो, तो हमारी सब्ज़ी झटपट बनकर रेडी है। आप इसे रोटियों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, दाल चावल खिचड़ी किसी के भी साथ खाइए, बच्चों को ऑफिस में टिफ़िन दीजिए। ये बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सेहतमंद सब्ज़ी है। आप जैसे कि जानते हो पालक में भरपूर आयरन होता है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, कम मसालों में बनती है और बहुत ही झटपट और टेस्टी बनती है। तो आप भी मेरी तरह से एक बार बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।